गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने एक 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी सिंगापुर पे। उसको आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, लगभग हजारों लोगों ने वीडियो देखे। मैंने उस वीडियो में बेसिकली बताया था कि आप 10th और 12th के बाद कौन कौन से जॉब कर सकते हो सिंगापुर में। तो मैंने उसमें बताया था अनस्किल्ड लेबर के बारे में, जो कि आप 10th और 12th के बाद सिंगापुर में आराम से कर सकते हो। तो लोगों ने इस पर कमेंट किए कि आप इस पर डिटेल वीडियो बनाओ, कितनी सैलरी मिल जाती है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं जॉब करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, अनस्किल्ड लेबर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो 10th और 12th पास है। इसके लिए आपको कोई वर्क वीजा नहीं मिलता है, आपको विजिट वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा पे, विजिट वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा पे काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अनस्किल्ड में बहुत सारी चीज़ें आती है, हेल्पर की जॉब आ जाती है, पैकेजिंग वर्क आ जाता है, लोडिंग का काम आ जाता है, एक प्रोडक्ट को लोड करना एक दूसरे मॉन्स्टर ट्रक पे, या फिर डिलीवरी वर्क आ जाता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें आती हैं अनस्किल्ड में, क्योंकि अनस्किल्ड में क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं होता है किसी भी काम का, तो इसमें आप लेबर वर्क करते हो। इसको लेबर वर्क नहीं कह सकते, एज ए हेल्पर वर्क भी कह सकते हो, एज ए पैकेजिंग वर्क भी कह सकते हो, एज ए लोडिंग वर्क भी कह सकते हो। तो इसकी अलग अलग वैरायटी हो जाती है। अनस्किल्ड में जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में ही काम करें, अनस्किल्ड में कई सारी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले वो शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी सिंगापुर पे, आप वो भी जाकर वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस वीडियो को देखना, उसमें आपको और सारी भी जॉब्स पता चलेंगी, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट 10th और 12th पास। इसमें फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं हो आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि शरीर की फिजिकल फिटनेस का फिजिकली काफ़ी वर्क होता है इसमें। तो ये ध्यान देना, फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देना। मेडिकल इसमें जरूरत पड़ता है, वो मेडिकल होता है तो सारी चेकिंग होती है आप लोगों की, तो उसमें हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है। तो किसी वीजा के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एज ए मेडिकल, ठीक है। तो मेडिकल अपना परफेक्ट रखना, शरीर में कोई कमी हो तो उसका डॉक्टर से दिखा करके उसको मेडिसिन लेकर के ठीक कर लो, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी मिनिमम वेज देखी जाती है कि आप जितने दिन जिनके लिए सिंगापुर में रहने जा रहे हो उतने दिन के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है, किस होटल में रुक रहे हो आप, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो देखी जाती है। पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश रिक्वायर्ड है, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं सैलरी की। इसकी एवरेज सैलरी $2,000 से लेकर के लगभग $5,000 तक एवरेज होता है। $5,000 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारी कंपनीज होती हैं जो ओवर टाइम प्रोवाइड कराती हैं आप लोगों को, थोड़ा हार्ड अनस्किल्ड लेबर वर्क होता है तो उसमें आपको पैसे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, बट थोड़ा वर्क रिस्की होता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो कर रहा हूँ, तो कमेंट करो, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ।